उद्योग के कई लोगों ने हमारे सामने जोर देकर कहा कि कई लोगों को सिनेमा से बैन कर दिया गया था, जिसमें प्रसिद्ध एक्टर तक थे, उनके नाम भी दिए गए थे। मलयालम फिल्म उद्योग पर व्यापक रूप से रिपोर्ट करने वाली मशहूर फिल्म समीक्षक अन्ना MM वेट्टिकाड के पास इसका जवाब है। न्यूज वॉल इंडिया देख रहे हैं आप, आपके साथ मैं हूं काजोल नारायण, बहुत स्वागत है आपका भारत एट नाइन में। केरल हाईकोर्ट के रिटायर्ड जज की अगुवाई वाली एक कमेटी ने कहा है कि मलयालम फिल्म उद्योग में कास्टिंग काउच बहुत गहरे तौर पर जड़ जमाए हुए हैं। रिपोर्ट में कहा गया कि फिल्म उद्योग में विभिन्न स्तरों पर प्रवेश का मौका पाने के लिए समझौता और एडजस्टमेंट शब्दों का इस्तेमाल कोडवर्ड के रूप में किया जाता है। इन दोनों शब्दों का मतलब है कि महिला को सेक्स ऑन डिमांड के लिए खुद को उपलब्ध बनाए रखना चाहिए। फिल्म उद्योग में कास्टिंग काउच जैसी प्रचलित धारणाओं का फायदा उठाने के लिए फिल्म बनाने वाले लोगों की ओर से नए लोगों को इस इंडस्ट्री में ब्रेक देते समय कुछ ऐसे ही संकेत दिए जाते हैं, जो इसमें फंसते हैं उन्हें कोड नंबर दिए जाते हैं। जस्टिस के हिमा की अगुवाई वाली कमेटी की रिपोर्ट जमा किए जाने के 4.5 साल बाद केरल सरकार ने इसे जारी किया है। 290 पन्नों की इस रिपोर्ट में 44 पन्ने गायब हैं, क्योंकि इन पन्नों में महिलाओं ने अपने साथ शोषण और उत्पीड़न करने वाले पुरुषों के नाम बताए थे। रिपोर्ट से हटाए गए दूसरे हिस्से से ठीक बाद यौन उत्पीड़न की शिकार एक महिला का जिक्र है, जिन्हें उस शख्स के साथ पति और पत्नी के तौर पर भूमिका निभानी पड़ी और गले लगाना पड़ा, जिसने एक दिन पहले ही उसका यौन उत्पीड़न किया था। रिपोर्ट में कहा गया कि यह बहुत भयानक था। शूटिंग के दौरान महिला के साथ जो कुछ हुआ था उसकी वजह से उनके चेहरे पर गुस्सा और नफरत साफ झलक रही थी। सिर्फ एक शॉट के लिए 17 रीटेक लेने पड़े थे। इसके लिए डायरेक्टर ने महिला की आलोचना की। रिपोर्ट के अनुसार सिनेमा उद्योग में एक आम धारणा है कि महिलाएं सिनेमा में पैसे बनाने आती हैं और वो किसी भी चीज़ के लिए आत्मसमर्पण कर देंगी। सिनेमा में काम करने वाले आदमी इस बात की कल्पना भी नहीं कर सकते कि कला और अभिनय के प्रति जुनून की वजह से वो आती हैं, लेकिन धारणा ये है कि वो पैसे और मशहूर होने के लिए आती हैं और फिल्म में एक मौका पाने के लिए वो किसी भी आदमी के साथ सो जाएंगी। साल 2017 में जस्टिस हेमा कमेटी का गठन किया गया था, जब वुमेन इन सिनेमा कनेक्टिव यानी कि WUC से मुख्यमंत्री पिनराई विजयन को एक ज्ञापन देते हुए फिल्म उद्योग में काम के हालात पर अध्ययन करने की मांग की गई थी। ये ज्ञापन उस घटना के बाद दिया गया था जब एक प्रतिष्ठित अभिनेत्री का उनकी ही कार में कुछ पुरुषों ने यौन उत्पीड़न किया था। इस कमेटी में वयोवृद्ध अभिनेत्री टी शारदा और केरल की प्रिंसिपल सेक्रेटरी रह चुकी KV वात्सल्या कुमारी को शामिल किया गया था। साल 2017 में बनी WCC जागरूकता और नीतियों में बदलाव के मार्फत सिनेमा में महिलाओं के लैंगिक समानता के लिए काम करती हैं। इसमें वो महिलाएं सदस्य हैं जो मलयालम उद्योग में काम करती हैं। कमेटी के सदस्यों को लगता है कि उनकी चिंताएं आखिरकार सही साबित हुई और उन्होंने सरकार से कार्रवाई की मांग की है। WCC के सदस्य और मलयालम फिल्मों की पुरस्कृत एडिटर बीना पॉल ने एक निजी न्यूज एजेंसी को बताया कि सालों से हम कहते आ रहे हैं कि उद्योग में व्यवस्थागत समस्या है। यह रिपोर्ट इसे साबित करती है। यौन उत्पीड़न इसमें से एक है। हमेशा हमें यही बताया गया है कि सवाल उठाकर हम केवल समस्या पैदा करने वाले लोग हैं। यह रिपोर्ट साबित करती है कि हालात उससे भी बुरे हैं जैसा हम सोचते थे। और रिटायर्ड जस्टिस हेमा कमेटी की रिपोर्ट मलयालम के लिए काम के हालातों को लेकर बहुभाषी फिल्म उद्योग वाले भारत के किसी भी हिस्से से आने वाली पहली रिपोर्ट है। रिपोर्ट की सबसे अहम टिप्पणी शायद ये है कि इसके सामने रखे गए सबूतों के अनुसार फिल्म उद्योग में यौन उत्पीड़न हैरतअंगेज रूप में आम है और ये बैरोकटोक और अनियंत्रित बना हुआ है, किसी भी तरह की कोई रोकटोक नहीं है। कई महिलाओं ने मर्दों द्वारा यौन उत्पीड़न किए जाने के सबूत के तौर पर ऑडियो वीडियो क्लिप्स और व्हाट्सएप संदेशों के स्क्रीनशॉट मुहैया कराए। एक प्रमुख एक्टर ने कमेटी को बताया कि वहाँ एक ताकतवर लॉबी है जो फिल्म उद्योग में एक माफिया की तरह काम करती है और ये कुछ भी कर सकती है, यहाँ तक कि प्रतिष्ठित निर्देशकों, निर्माताओं, अभिनेताओं, अभिनेत्रियों या किसी भी व्यक्ति को बैन कर सकती है, भले ही ऐसा प्रतिबंध गैरकानूनी और अनाधिकृत हो। कमेटी को मौखिक और दस्तावेजों के साथ सबूत दिए गए कि कुछ अभिनेता, निर्माता, वितरक, निर्देशक जो सभी मर्द हैं, उन्होंने बड़े पैमाने पर प्रसिद्धि और पैसा दोनों पा लिया और अब मलयालम उद्योग पर उनकी पूरी तरह से कब्जा हो चुका है। उद्योग के कई लोगों ने हमारे सामने जोर देकर कहा कि कई लोगों को सिनेमा से बैन कर दिया गया था, जिसमें प्रसिद्ध एक्टर तक थे, उनके नाम भी दिए गए थे। फिल्म हिस्टोरियन ओके जॉनी ने एक न्यूज एजेंसी को बताया कि मलयालम फिल्म उद्योग देश में मौजूदा अन्य भाषाओं के फिल्म उद्योग के मुकाबले सबसे छोटा है, लेकिन ये बहुत कुख्यात भी है। ये बड़ा माफिया है जो महिला विरोधी और जनता विरोधी है।
जॉनी की बात महिला कलाकारों को मामूली भुगतान किए जाने के मामले में कमेटी के नतीजों से भी पुष्टि होती है। भुगतान के मामले में कोई भी ऐसा तरीका नहीं है जिस पर कोई सवाल उठ सके या कानूनी सहारा ले सके, क्योंकि किसी कॉन्ट्रैक्ट पर हस्ताक्षर नहीं किया जाता। कमेटी को बताया गया कि कैसे कुछ फिल्म निर्देशक न्यूड सीन या अंग दिखाने को लेकर अभिनेत्रियों से किए अपने वादों से पलट गए थे। जब महिलाओं ने उस काम को छोड़ दिया तो 3 महीने काम करने के बावजूद पैसा नहीं दिया गया। महिलाओं ने कहा कि शूट के दौरान उन्हें होटल में भी सुरक्षित नहीं लगता था। रिपोर्ट में कहा गया कि दरवाजे को इतनी जोर से पीटा जाता था कि कई बार तो लगता था कि दरवाजा टूट जाएगा और पुरुष जबरदस्ती उनके कमरे में घुस जाएंगे। जूनियर कलाकारों और हेयर स्टाइलिस्ट का हाल तो इससे भी बुरा है। जूनियर कलाकारों के साथ गुलामों जैसा बर्ताव किया जाता था। सेट पर उन्हें टॉयलेट जैसी बुनियादी सुविधा भी नहीं दी जाती थी और उन्हें सुबह 9 बजे से रात के 2 बजे तक काम करवाया जाता था। कुछ अपवादों को छोड़कर खाना भी नहीं दिया जाता। हेयर स्टाइलिस्ट और मेकअप आर्टिस्ट के लिए काम के हालात और बदतर हैं, क्योंकि उनकी यूनियनों ने कामकाजी हालात और वेतन को नियंत्रित करने वाले कानूनों का उल्लंघन किया था। रिपोर्ट में दर्ज किए बयानों के अनुसार उद्योग में एक ही नियम है, जो भी यस मैन या यस वुमन नहीं है उसे माफिया द्वारा उद्योग से प्रतिबंधित किया जा सकता है। प्रतिबंधित होने वाले लोगों में WCC की कुछ सदस्य भी थी। इसी संगठन ने उद्योग में काम के हालातों से संबंधित मुद्दे उठाए थे। बीना पॉल ने कहा कि इंडस्ट्री से लोगों को बाहर करने का एक रवैया सा रहा है, क्योंकि लोग इस सच्चाई का सामना नहीं करना चाहते कि हम सवाल पूछें, इसलिए कुछ सदस्यों ने मुश्किल हालातों का सामना किया। कमेटी ने फिल्म उद्योग को चलाने के लिए कानून और एक ऐसे ट्रिब्यूनल को गठित करने की सिफारिश की जिसकी अगुवाई महिला जज करें, ताकि महिलाओं की सुरक्षा सुनिश्चित की जा सके। जैसे ही रिपोर्ट जारी हुई, रिपोर्ट में देरी करने और आपराधिक मामलों के लिए जिम्मेदार लोगों के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं शुरू करने को लेकर विपक्षी गठबंधन यूनाइटेड डेमोक्रेटिक फ्रंट ने लेफ्ट डेमोक्रेटिक फ्रंट सरकार को घेरा। मुख्यमंत्री पिनरई विजयन ने जवाब दिया कि सरकार ने कमेटी की कुछ सिफारिशों को पहले ही लागू कर दिया था। महिलाओं का उत्पीड़न करने वालों के खिलाफ कार्रवाई शुरू करने की जहां तक बात है, विजयन ने कहा कि अगर कोई भी महिला पुलिस में शिकायत दर्ज कराती है, सरकार उस पर तत्काल कार्रवाई करेगी। इस रिपोर्ट पर एसोसिएशन ऑफ मलयालम मूवी आर्टिस्ट ने आधिकारिक रूप से अभी तक कोई पुष्टि नहीं की है, ना ही कुछ कहा है। इससे पदाधिकारियों ने इस रिपोर्ट का अध्ययन करने के बाद प्रतिक्रिया देने की बात कही, लेकिन केरल जैसे राज्यों में ऐसा कैसे घटित हो सकता है जिसे इसकी फिल्मों के लिए फिल्म समीक्षकों और दर्शकों से भी सराहना मिल चुकी है। मलयालम फिल्म उद्योग पर व्यापक रूप से रिपोर्ट करने वाली मशहूर फिल्म समीक्षक अन्ना MM वेट्टिकाड के पास इसका जवाब है। वो कहती हैं, मलयालम फिल्म उद्योग केरल का एक छोटा सा जगत है, एक ऐसा राज्य जहां बहु प्रगतिशीलता और चरम पितृसत्ता एक साथ मौजूद है। ये मलयाली सिनेमा में भी एक झलकता है। पितृसत्ता की पड़ताल करने वाली कुछ बेहतरीन भारतीय फिल्में मलयालम में बनी हैं, लेकिन यही उद्योग बहुत ही पिछड़ी फिल्में भी बनाता है। इन हालात में इसमें कोई ताज्जुब नहीं है कि स्त्री द्वेषी लोग सिनेमा जैसी रचनात्मक क्षेत्र की धारणाओं का फायदा उठाते हैं, महिलाओं का शोषण करते हैं, फिर भी उसी उद्योग से समानता के लिए एक अभूतपूर्व अभिनय भी उभरा हुआ है जो किसी अन्य पेशे फिल्म या अन्य क्षेत्र में भारत में कहीं भी देखा गया नहीं है। भारतीय टाइम में आज के लिए इतना ही, कल फिर लौटेंगे किसी और मुद्दे पर बात करेंगे। धन्यवाद।